सीटेट में कैसे स्कोर करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में सारी बातें आपके सामने करेंगे। जी हाँ, और एक बात यह है कि आप लोग की जो तैयारी है काफ़ी बेहतर चुकी है, क्या क्या पाठ्यक्रम है, कम समय में कैसे सीटेट की बेहतर तैयारी करें, क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा होनी है, अब जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन मोड में होगी, जो परीक्षा है वो कैसे होगी, अब वो ऑनलाइन मोड में होगी, सीबीटी होगी, मतलब अब हम कह दें तो ये परीक्षा किसी तरह होगी, पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन परीक्षा में कहीं ना कहीं ढेर सारे अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ता है, कैसे भाषा का चयन करें, कैसे पैटर्न का चयन करें, और कैसे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ऐसे तमाम सारी बातें हैं। सीटेट अब जो पास करेंगे उनके लिए लाइफ टाइम होगा, मतलब उनके लिए जो पैटर्न है पूरा ना, एक बार सीटेट आपने पास कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि सीटेट में कितने अंक आपको लाने, सबको ये पता होना चाहिए कि सीटेट में आपको 82 और 90, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अधिकतम स्कोर करना है। आप हमेशा ये टारगेट रखिएगा, आपको अधिकतम स्कोर करके रखना है, मतलब हमेशा हम 110 प्लस 120 प्लस के टारगेट करके चलेंगे। पूरे सेक्शन में देखेंगे कौन कौन सी किताबें पढ़ें, नोट्स कौन सा बेहतर है, और एनसीईआरटी के लिए कितना ज़्यादा किफ़ायती है, और क्या हुए इस बार सीटेट में बदलाव। सीटेट में पहली बदलाव है, अब से जो परीक्षा आपने पीछे भी देखा ऑनलाइन हुआ था, आगे भी अब परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही होंगी, बस ऑनलाइन परीक्षा होंगी। सीटेट के बाद क्या करें, अगर आप सीटेट पास होते हैं तो आप सीधा सुपर टेट माने एसटेट दे सकते हैं, केवीएस की जो परीक्षा होती है केंद्रीय विद्यालय की, केवीएस की परीक्षा आप दे सकते हैं, साथ ही साथ आप डी जो एसएसबी की परीक्षा होती है, इस परीक्षा में जो में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब एक बात साफ और स्पष्ट है कि सीटेट परीक्षा पास होने के बाद उन राज्यों में जहां पर अच्छा बीटेट माने बिहार टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, माने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आप सीटेट के बाद सीधा सीधा उस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। सवाल आप सभी के मन में आता है कि क्या सुपर टेट देने के लिए आपको यूपी टेट पास होना जरूरी है? जी नहीं, आप चाहे यूपी टेट या सीटेट दोनों में से कोई एक पास हो। एक सवाल आता है कि अगर जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो क्या वहां पर भी सीटेट वैलिड होगा? जी, वहां पर सीटेट या यूपीटेट दोनों में से एक पास होना जरूरी है। अब हम इसके पाठ्यक्रम पर विधिवत चर्चा करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों का शेयर जरूर करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर लाइव सेशन में देख पा रहे हैं, सभी लोग शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी सीटेट की, वो 5 भागों में डिवाइड होती है। कितना? 5 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रत्येक पार्ट 30 अंक के होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो कुल पेपर होगा वो 150 प्रश्न, मतलब प्रश्नों की संख्या 150, अंक भी प्रत्येक प्रश्न के एक अंक होंगे 150 प्रश्न, और जो समय भी होगा 150 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिल जाएगा। अब इन सभी सेशन पर हम लोग बात करते हैं कैसे विषय को चयन करना है, कैसे परीक्षा में स्कोर करना है। पहला, बाल विकास और शिक्षण, क्योंकि आप हमें जानते हैं कि पूरे सीटेट के पेपर में, चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, इनमें इस 75 में मतलब 150 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर ये 15 अंक शिक्षण के, 15 अंक सीडीपी के। यहाँ पर भी देखिए, भाषा फर्स्ट की बात करें तो 15 नंबर पैडागॉजी होती है, 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश होते हैं। भाषा सेकंड में भी सेम प्रक्रिया है, 15 का शिक्षण है, 15 गद्यांश है, पद्यांश है। गणित में भी क्या होता है, 15 के गणित के सवाल होंगे और 15 में उसके शिक्षण होंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी सेम प्रक्रिया है, 15 के शिक्षण होंगे, 15 के आपके एनसीईआरटी होंगे। मतलब यहाँ पर एक बात साफ है कि जो 75 अंक होंगे आपके वो शिक्षण से होंगे। क्या होंगे वो? आपके लिए शिक्षण, मतलब 75 अंक के लिए आपको शिक्षण की पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण की तैयारी करनी पड़ेगी। शिक्षण के लिए, पैडागॉजी के लिए आप एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी किताबें। अगर हम प्राइमरी की बात करें, भी सभी विषयों के बारे में बात करें, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी बेस्ट है। उसके अलावा आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम समय में आपके पास बेहतर तैयारी करनी होगी। और साथ ही साथ सीटेट के लिए या यूपीटेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है, मतलब 2011 से जब से टेट सीटेट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार आपको हल करना अनिवार्य है, एक बार आपको सॉल्व करना जरूरी है। मतलब यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुके होंगे। अब इसके हम बात करें कि बाल विकास सबके लिए अनिवार्य है, मतलब सभी के लिए यह महत्वपूर्ण और जरूरी है। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा फर्स्ट में आप संस्कृत रह सकते हैं, अंग्रेजी भी रह सकते हैं, संस्कृत भी रह सकते हैं, हिंदी भी रह सकते हो, आपके ऊपर है। तो अगर भाषा फर्स्ट में जो रखेंगे उसे फर्स्ट में हल करना होगा, जिसको सेकंड में रखेंगे उसे सेकंड में ही आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात साफ है कि भाषा फर्स्ट का अगर चयन करते हैं तो यहाँ पर ये 91 से लेकर 120 तक के जो आपके सवाल होते हैं वो आपके सामने रहेंगे।
मैं यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से बता दूँ, ये ऊपर नीचे लिखा गया सिलेबस इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, 91 से लेकर 120 नंबर तक के सवाल आपको हल करने होंगे भाषा फर्स्ट से, जो भी आपने फर्स्ट लिया हो। आप हो सकता है हिंदी लिए हो सकता है अंग्रेजी लिया हो सकता है संस्कृत लिया हो, या आठवीं सूची में सम्मिलित अन्य 20 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन किया हो। भाषा दूसरी की बात करें तो जो भाषा द्वितीय होती है ये भी अनिवार्य है। जो फर्स्ट में लेंगे वो सेकंड में नहीं सकते, जैसे कुछ लोग होंगे हिंदी हिंदी दोनों में ले, संस्कृत संस्कृत दोनों में ले, इंग्लिश ले, ऐसा नहीं हो सकता। जो भाषा फर्स्ट में लेंगे उसको छोड़कर अन्य जो बचेंगे आठवीं सूची की भाषा 20 भाषाओं में से, उसमें से किसी एक और का चयन कर सकते हैं। उसके जो सवाल आपको हल करने होंगे वह 121 से लेकर 150, क्योंकि हर पेपर में हिंदी दो बार, अंग्रेजी दो बार, संस्कृत दो बार, सभी पेपर फर्स्ट मतलब भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड के रूप में रहेंगे। कन्नड़ हो, उड़िया हो, ये सभी भाषाएं जो है दो भाषाओं के रूप में, पंजाबी हुआ, ये दो दो भाषाओं में रहेंगे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा हाल में कैसे करना है कैसे देना है। गणित की अगर हम बात करें तो गणित आप सभी के लिए अनिवार्य है, गणित सभी को करने हैं, पर्यावरण अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, समय आपका 150 मिनट होगा, और ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, सीबीटी मोड में होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्या माइनस मार्किंग है, क्या नकारात्मक अंक है? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव अंक नहीं है, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब हम इसी के साथ और आगे चलते हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताते रहिए कि मेरी आवाज़ साफ आ रही, किसी कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो नहीं है, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। अब हम आगे चलते हैं इस सिलेबस को, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अब हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू, आप सभी का जय हिंद। अब हम और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं बाल विकास। सीडीपी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे अगर हम सीडीपी की बात करें तो यहाँ पे जो सीडीपी है वो आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो बाल मनोविज्ञान की किताब है, वहां से आपके लिए काफी अच्छे अंक आ सकते हैं, कुछ सवाल आपको हूबहू मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, क्योंकि मैं सीटेट के लिए हमेशा एनसीईआरटी ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसके लिए बेस्ट होता है। एनसीईआरटी 11-12 की होती है, वो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपने वो पढ़ लिया तो ठीक है। और उसके साथ साथ ई लर्निंग भी दुर्गेश नोट्स हैं, और मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, उनको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास का सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, पाइगेट, कोलबर्ग, पाइगोत्स्की, निर्माण उनके महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ने हैं, भाषा और चिंतन, अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी का अस्तर, देखिए यहाँ पे शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर पर मूल्यांकन। तो यहाँ तक जो ये सीडीपी का सिलेबस था, उम्मीद करूंगा आप सभी साथी जितने भी लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ले। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आज ही आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, जहाँ पे सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर है एक टॉपिक आपका है समावेशी शिक्षा और उसकी अवधारणा, गैर लाभप्रद विद्यार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकता, अधिगम संबंधित समस्याएं, प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझना। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है सीखना और शिक्षा साथ, बालक किस प्रकार सीखते और सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना, बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। तो ये टॉपिक जो थे यहाँ से आपको पढ़ना। इसके साथ साथ आप सभी को इसमें एनसीएफ 2005 RTE 2009 और NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है ना, यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये तीन टॉपिक अगर हम बात कर ले तो पूरे सीटेट के पेपर में, पूरे सीटेट के पेपर में तीन टॉपिकों से 35 से 40 प्रश्न होते हैं, केवल इन तीन टॉपिक से। एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी, एक बार मैं यहाँ पे देखूँ, थोड़ा सा राइटिंग साफ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक तो एनसीएफ 2005 हो गई, एक हो गई आरटीई 2009, न्यू एजुकेशन पॉलिसी
2020। इन तीन टॉपिक से आपके परीक्षा में 35 से 40 प्रश्न आते हैं, ये पांचों सेक्शन में मिलाकर। जरूरी नहीं है कि केवल सीडीपी में आएंगे, भाषा फर्स्ट में भी, भाषा सेकंड में भी, गण शिक्षण में भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपके पर्यावरण शिक्षण मिलेगा। इन सभी जगह आपको मिलाकर पूरे यहाँ से जो प्रश्न की संख्या होगी वो 35 से 40 होगी, मतलब 75 अंक जो शिक्षण का है वहां से आप 35 से 40 प्रश्न आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग यहां पर कर सकते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक और बात आती है आपके पास, भाषा फर्स्ट, भाषा की समझ और अध्ययन। तो हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, भाषा क्या, हिंदी की बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया जो भाषा हो, अगर भाषा फर्स्ट में भी हिंदी लग सकते हैं और भाषा सेकंड में, अगर आपने हिंदी का चयन किया तो यहाँ पे दो सेशन होगा, एक 15 का होगा, दूसरा 15 का होगा। इस 15 में गद्यांश होगा 9 नंबर का, पद्यांश होगा 6 नंबर का। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये पूरा आपका पेडागॉजी होगा, ठीक, क्या होगा, पूरी तरह से पेडागॉजी की सीरीज होगी। अब इनमें भी एक बात आपको और जानना है, इसमें अपठित गद्यांश, ये अपठित गद्यांश और पद्यांश मैंने अभी बताया ऊपर, इन दोनों को मिलाकर यहां पर अकेले 9+6 माने 15 अंक आते हैं। व्याकरण से एकाध सवाल कभी कभी पूछे, जब से ऑनलाइन मोड में परीक्षा हो रही है तो यहां पर 1 से 3 प्रश्न व्याकरण से भी पूछ लेते हैं, खासकर पैसेज में ही व्याकरण होता है, लेकिन आजकल जब से ऑनलाइन मोड में परीक्षा शुरू हुई तब से 1 से 3 प्रश्न केवल व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। दूसरा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण में शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया, बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। माने इसके अलावा भी मैं आपको जो ऊपर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है। आगे हम ऊपर इस पर भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। आप इसके जो PDF और टेलीग्राम से आप सभी जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिंक अभी हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ये मेरी निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में, राष्ट्रहित में होती है, जब भी मेरे पास समय आपके लिए मिल पाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप अपने पास जरूर रखिएगा। और यहाँ पे भी देखिए फिर से ऐड आ गया, इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐड है। ऑनलाइन नोट्स प्राप्त कर घर बैठे CTET, UPTET, SuperTET का सभी नोट NCERT किताबों के निचोड़ है। और यहाँ पे कुछ मार्क्स नंबर दिए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं, इन नंबरों को रख सकते हैं। सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से चलती हैं, अब की बार एक सीट हमारा। अब हम लैंग्वेज सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ सेम कंडीशन हुई है, 30 अंक के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज, यहाँ पे प्रोज और पोट्री के होते हैं, तो ये पूरे 15 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं, ये पूरे 15 अंक के होते हैं। इन 15 अंक में प्रोज 9 नंबर का, पोट्री 6 नंबर का। उसके बाद पेडागॉजी सीरीज होती है, तो यहाँ पर आप साथ देख सकते हैं कि लर्निंग एंड अकेशन, अनसीन पैसेज है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग है, ग्रामर से देखिए, जब से ऑनलाइन मोड में हुआ है तब से यहाँ पे 1 से 3 सवाल ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर पैसे से ही होते हैं, लेकिन कभी कभी पैसे से इतर भी पूछ लेते हैं जिनकी संख्या 1 से 3 होती है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, लैंग्वेज स्किल है, रोल ऑफ जो ग्रामर इन टीचिंग लैंग्वेज है, असाइनमेंट लैंग्वेज है, कंप्रेशन एंड वेंसी है, और टीचिंग की अगर हम बात करें, टीचिंग है, मटेरियल है, टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया है। वही जो आपने हिंदी शिक्षण पढ़ा था सेम वही इंग्लिश शिक्षण में भी होगा, मल्टी ग्रामर रिसोर्सेज है, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में आ सकती हैं। इसके लिए भी प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। और आपने भी देखा होगा कि NCERT किताबें 1 से लेकर 5 तक की आती है, एक बार उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि पैसेज हूबहू आपको उसी किताबें से कॉपी पेस्ट मिलती है। मैंने 1 से लेकर 8 तक की जो NCERT है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और NCERT की पूरी जो नोट्स है हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको CTET की तैयारी करनी होगी, ये बात को लेकर परेशान होंगे कि मैं कहाँ से NCERT पढ़ूँ, तो NCERT के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आप हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में NCERT के इतने नोट्स आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक भाषा नहीं दिया है, भाषा संस्कृत की बात मैं लास्ट में आपको कर लूँगा, भाषा संस्कृत से भी कैसे आपको सवाल पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं गणित के, गणित में भी 30 अंक के सवाल है। 30 नंबर की अगर बात करें तो 15 नंबर में शिक्षण हो गया, 15 नंबर में आपके ग्रामर के सवाल होंगे। यहाँ पे
यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि जो 15 नंबर के शिक्षण के सवाल होंगे वो पूरी तरह से गणित का जादू, जो एनसीईआरटी गणित होती है, वहां से आपके लिए पूछा जाएंगे। इसलिए आप लोग को इस बात को लेकर भी कतई घबराना नहीं है, कतई परेशान नहीं होना है, इस पर भी मैं आपकी आगे चर्चा करूंगा। इसमें है ज्यामिति, आकार स्थानिक समझ, हमारे चरों और विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाव, गुणा करना, मापन, भार, समय, विभाजन करना, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, अंक गणित, तार्किक सोच, प्रकृति गणित की भाषा, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें इसकी पूरी, या तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेशर, स्पेस मत दीजिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक यूजर है ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, और ऐप भी लर्निंग विद दुर्गेश का मैं बार बार कहूंगा प्ले स्टोर पर है। वहाँ पर एनसीईआरटी की सभी किताबें हिंदी और अंग्रेजी में दर्ज है और पूरा कोर्स भी होगा वहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, आवेदन करने से 2 से 3 महीने में आपको सीटेट का पेपर हो जाएगा। आवेदन करने के 2 से 3 महीने के बाद आपके सीटेट का पेपर कई चरणों की ऑनलाइन है, अब तो कई चरणों में होना है। आगे आते हैं, पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, परिवार और मित्र। पर्यावरण का जो है यहाँ पर भी 30 अंक, जो अंक होते हैं वो 30 होंगे। 30 अंक में 2 सेशन होंगे, 15 नंबर के शिक्षण होंगे, 15 नंबर के पूरी एनसीईआरटी। मैंने अगर पर्यावरण पढ़ना है तो एनसीईआरटी मैंने आसपास कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वैसे जो आसपास जो चलता है किताब एनसीईआरटी वो आपको 3 से लेकर 5 तक, मैंने 3, 4, 5, 3 कक्षाओं में चलती, 1 और 2 में भाषा के साथ साथ वहाँ पे गणित शिक्षण भी होता है। ठीक, यहाँ तक आप क्लियर हो गए, कोई समस्या है तो। परिवार मित्र, उनका संबंध, कार्य, खेल, पशु और पौधे, भोजन और आश्रय, जल, भोजन और आश्रय, जल, ये भी एक टॉपिक है आपका। हम वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, फिर है भ्रमण, ठीक, ये भी सिलेबस में है आपके। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन की महत्व, एकीकृत पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने का सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, इन पर चर्चा करना। आप घर बैठे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आपको नंबर यहां पे दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं ये नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, 6306344366। ठीक, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं कुछ मूल बातें आपको बता दूँ। अगर आपको सीटेट में अच्छे अंक लाने हैं, सीटेट पार करने हैं और एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो सबसे पहली बात आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। पहले सेमेस्टर में है या अंतिम सेमेस्टर में है, अब सीटेट सभी के लिए मान्य है। किसी भी सेमेस्टर में हो सीटेट में आवेदन करिए और आप पूरी तरह से मान्य होगा, चाहे बीटीसी कर रहे हों, डीएलएड कर रहे हों। ठीक, दूसरी समस्या प्रश्न ये आता है कि सर कितने दिन के लिए वैलिड, तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। एक बार आप पास होते हैं जो डिग्री लाकर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। इसके लिए सबसे अहम जो है सीटेट के लिए वो आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक दो तरह से होती है। एक ओल्ड एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो ये 2 रूप में आती है, एक न्यू आती है और एक ओल्ड है। तो सबसे अहम जो लोग राय देते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, अगर आपको न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको एनसीईआरटी के सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें आप तैयार कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, मतलब सवाल आता है सर किस मीडियम में मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे, उनके लिए सवाल आता है सर हम इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी नोट्स कहाँ से पढ़े, कहाँ से प्राप्त करें, तो वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको आसानी से क्लासवार कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार हर क्लास के आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है, ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल कि इसके लिए मैंने तो बता दिया, अब आपको नोट्स अगर चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स आपको उपलब्ध है। अगर आप नोट्स चाहिए तो नोट्स भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नोट्स एनसीईआरटी पैटर्न पर है,
एनसीईआरटी पैटर्न पे सभी नोट्स होंगे और ये नोट्स हस्तलिखित हैं जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आप सभी साथी जो लोग भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ पर भी आपसे अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर मैं आपसे बार बार कहूँगा कि टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करेगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी क्लासेस के लिंक, पीडीएफ, ये जो हम सिलेबस देख रहे थे ये भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको जूनियर का सिलेबस, जूनियर सीटेट में साइंस, मैथ और एसएसटी जो है, इन दोनों के पाठ्यक्रम आपको मिल जाएंगे। और जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, ये सब आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो, डेली ई लर्निंग विद दुर्गेश पर ऐप पर और ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेज मिल जाएंगी। लेकिन आज ही ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ढेर सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, वे आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक करके रखिएगा। यह सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास पर एनसीईआरटी के रूप में हम आपको यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे। मेरी क्लासेज हमेशा आप सबके लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्रहित में रहेगी। और अगर इसके अलावा कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और यहाँ पे अगर ना हो पाए, मेरी आईडी इंस्टाग्राम मेरी भी आईडी है, दुर्गेश जायसवाल सर के नाम पे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ई लर्निंग विद दुर्गेश को भी फॉलो कर सकते हैं, जो मुझे एक मंच देता है ताकि मैं अपनी ज्ञान आप तक पहुँचा दूँ। तो आप सभी का आभार, सभी को धन्यवाद। अब की बार सीटेट पार और अगली बार एक सीट हमार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एनसीईआरटी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो आपको एक से लेकर पाँच तक के प्राइमरी लेवल के भी मिल जाएंगे, सिक्स से लेकर एट तक के जूनियर इसके भी मिल जाएंगे। और अगर आपको तैयारी करनी है, आप चाहते हैं छः से लेकर बारह तक के कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स, आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा और ऐप प्ले स्टोर पर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो आप सभी का थैंक यू। कोई भी सवाल होगा क्लास खत्म होने के बाद, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू। लाइक नहीं किया तो लाइक किए कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रेगुलर क्लास के लिए आपके साथ।